हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमेजिंग गार्डन ऑफ अंतिम। फ्रेंड्स, आज मैं गुलाब प्लांट के बारे में बात करूंगी। और फ्रेंड्स, एक मेरे पास है जो है हाइब्रिड वाला गुलाब प्लांट है, एक और ये भी हाइब्रिड वाला है। फ्रेंड्स, इनमें दोनों में अलग अलग कलर के फ्लावर आते हैं। और फ्रेंड, ये देशी गुलाब का प्लांट है। और फ्रेंड्स, एक और जो है ये देशी गुलाब का प्लांट है जो मैंने इसे अभी कुछ दिन पहले ही रेडी करा है। और फ्रेंड्स, इसके फ्लावर इतने स्वादिष्ट, इतने मीठे हैं इसके फूल, तो मैंने इसे अभी रेडी करा है। और फ्रेंड्स, हेवी ब्लूमिंग के बाद हमें फिर से प्लांट, गुलाब प्लांट से फ्लावर लेने के लिए हमें कुछ काम करना होता है। तो फ्रेंड्स, आज हम इसी बारे में बात करेंगे। और फ्रेंड्स, इन पौधों को जो है मंकी से बचाना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि मंकी पूरे पौधे को, पत्ते और गुलाब को ख़राब करके चले जाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने इन पौधों को जो बड़े पौधे हैं और उन्हें के बीच में रख रखा है, जिससे मेरे प्लांट जो थोड़े बचे हुए हैं। और फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि अभी भी इसमें जो है बड्स आ रही है और बहुत ही हेवी ब्लूमिंग होती है गुलाब के प्लांट में। पर फ्रेंड्स, इन्हें जो है ज़्यादा खाने की ज़रूरत होती है, ज़्यादा भोजन की ज़रूरत होती है, यानी कि ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है। तो फ्रेंड्स, हमें जो है अभी कुछ काम कर लेना है। और फ्रेंड्स, अभी तो यहाँ पर बारिश भी बहुत हो रही थी, तो 4-5 दिन से जो मैं अपने प्लांट को वैसे पानी नहीं डाल रही थी, क्योंकि मिट्टी ऑलरेडी बहुत ही गीली थी। और फ्रेंड्स, आप देख सकते हो मैंने इस तरह से अच्छे से मिट्टी को सुखा लिया है। और फ्रेंड्स, मैंने जो है इन सभी प्लांट में जो गुड़ाई कर ली है, गुड़ाई हमको फ्रेंड्स बस चारों तरफ से आसपास से करना है, बीच में से नहीं करना है, क्योंकि रूट्स खराब हो जाएगी और हमारा प्लांट भी खराब हो सकता है। इस तरह से हमने चारों तरफ से जो है बस इधर पीछे पीछे से ही हमको इस तरह से गुड़ाई कर लेना है सभी प्लांट में। फ्रेंड्स, मैंने कर रखी इनमें। और फ्रेंड्स, हमें उसके बाद क्या करना है कि अभी बहुत ही कुछ दिनों से बारिश हो रही थी, तो हमारे मिट्टी जो है बिल्कुल जम सी गई थी और उनमें जो पानी भी रुक गया था। तो फ्रेंड्स, गुड़ाई करने से जो है इसमें ऑक्सीजन पहुंचेगी। और फ्रेंड्स, फिर हमें क्या करना है कि कुछ इन सभी के यहाँ पर जो थोड़ा प्लांट के हल्दी पाउडर डाल देना है, जिससे कि फंगस वगैरह नहीं लगेगा, एंटीबैक्टीरिया। ये एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है फ्रेंड्स, तो हमें जो है सभी में जो है इनके रूट्स के यहीं पर बस थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल देना है। अभी बारिश की वजह से भी जो है मिट्टी में कीटाणु और फंगस पैदा हो जाते हैं, तो फ्रेंड्स हल्दी पाउडर उनको हटा देगा। इस तरह से हमें सभी में जो है हल्दी पाउडर डाल देना है, थोड़ा थोड़ा ही डालना है सब जगह। तो फ्रेंड्स, इसमें कांटे भी बहुत होते हैं, तो इस तरह से मैंने जो सभी में हल्दी पाउडर डाल दिया है। और फ्रेंड्स, कुछ दिन पहले ही मैंने इनकी पिंचिंग भी करी है, आप देख सकते हो यहाँ से जो है नई नई ब्रांचेस निकल गई है। तो हमें क्या करना है कि हमें जो इनकी कटिंग भी कर लेना है। हम जो फ्लावर आते हैं तो फ्लावर को तो हटा देते हैं फ्रेंड्स, लेकिन उनकी जो ऊपर से जो ब्रांचेस होती है उनको भी कट कर देना है इस तरह से। ये आप देख सकते हो मैंने सभी में कट कर रखी है, तो नई नई ब्रांचेस आएगी। और जो इनकी पत्तियां है फ्रेंड्स, जो खराब पत्तियां हो गई, जिन पे फंगस लग गया, हमको उनको भी हटाना है, जिससे कि नई पत्तियां निकलेगी। आप देख सकते हो जिस इस तरह से जो पत्तियां खराब हो रही है, हमें इनको निकाल देना है, जिससे कि यहाँ पर और नई नई पत्तियां आ जाएगी। फ्रेंड्स, उसके बाद हमें क्या करना है, पिंचिंग कर ली है और हल्दी पाउडर डाल दिया है, इससे नई नई जो ब्रांचेस आप देख सकते हो सभी जगह से मैंने काट रखी थी इसको थोड़े अभी 5-6 दिन पहले, और यहाँ से छोटी छोटी जो और ब्रांचेस निकल गई है। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमें ये काम कर लेना है। और उसके बाद हमें फ्रेंड्स क्या करना है, जिससे कि हमारे प्लांट में हेवी ब्लूमिंग हो, तो मैं आपको बताती हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है मैंने गोबर की सड़ी हुई खाद ली है, जो सूखी हुई खाद है। अभी हमें जो लिक्विड फर्टिलाइजर नहीं डालना है फ्रेंड्स, विंटर का टाइम है, अभी धूप भी बहुत कम आती है, नहीं तो अगर हम जो है लिक्विड फर्टिलाइजर बनाकर डालेंगे तो हमारे प्लांट खराब हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो है मैंने यहाँ पर सड़ी हुई गोबर की खाद ले ली है, जो बहुत ही सालों पुरानी खाद है,
और फ्रेंड्स अगर हमारे पास वर्मी कंपोस्ट हो तो हम इसकी जगह जो वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट और गोबर की खाद दोनों ही बहुत बेस्ट है, तो हम वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं। और ये आप देख सकते हो बिल्कुल सूखी हुई खाद है। इस तरह से हमें जो गोबर की सड़ी खाद ले लेना है। उसके बाद फ्रेंड्स हमें इसमें क्या करना है, ये मैंने यहाँ पर जो है एनपीके के दाने लिए हैं, तो इसमें हमें डाल देना है। आप देख सकते हो मैंने गोबर की खाद जो इतनी ली है, और मेरे प्लांटर इतने बड़े हैं, 15 लीटर के हैं, और इसमें जो हमें एनपीके के दाने डाल देना है, बस ज़्यादा नहीं डालना है फ्रेंड्स। और उसके बाद हमें क्या करना है फ्रेंड्स, जो चाय पत्ती होती है, तो चाय पत्ती हमें गीली चाय पत्ती नहीं डालना, अगर हम गीली डालेंगे तो उससे फंगस लग जाएगा। फ्रेंड्स हमारे कौन से भी प्लांट में हमें जो है गीली चाय पत्ती या गीले पत्ते या कुछ भी गीली चीज़ें नहीं डालना है मिट्टी में, नहीं तो मिट्टी में जल्दी फंगस लग जाता है, पौधे भी खराब हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स चाय पत्ती जो सभी के घर में निकलती है, तो हमें उसको अच्छे से धो के और सूखा लेना है, और सूखा लेने के बाद जो है हमें चाय पत्ती इसमें ऐड करना है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताती हूँ हमें कितनी चाय पत्ती ऐड करना है। इस तरह से फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर जो है चाय पत्ती ले ली सूखी हुई, और इसमें डाल देना है। अगर फ्रेंड्स चाय पत्ती अगर कुछ थोड़ी ज़्यादा भी हो जाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये जो है सभी ऑर्गेनिक ही है, तो इसमें कोई पौधे को ख़राब होने का चांस नहीं है। और अभी विंटर का टाइम है, सर्दी का टाइम है, तो अगर कुछ ज़्यादा भी हो जाए तो कोई बात नहीं। और फ्रेंड्स अगर हमारे पास कोई टूल्स हो तो हम इसे जो उसे अच्छे से हिला सकते हैं, हिलाकर मिक्स कर लेना है। और फिर मैं आपको बताती हूँ कि हमें इसे कैसे हमारे प्लांटर में डालना है। पहले मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। फ्रेंड्स इसमें जो गुलाब के फूलों में हेवी ब्लूमिंग होगी और बड़े बड़े फ्लावर आएंगे। तो फ्रेंड्स आप भी अपने गार्डन में गुलाब के फ्लावर प्लांट में ज़रूर ये काम करें, जिससे कि आपके पौधे भी ये फ्लावर के लिए रेडी हो जाए। फ्रेंड्स ये बहुत ही हेवी खाना मांगता है, इसलिए हमें जो है हेवी फर्टिलाइज़र देना होता है। इस तरह से मैंने इसे मिक्स कर लिया है, और अगर आपके पास कोई टूल्स है तो आप उससे भी डाल सकते हो। और फ्रेंड्स इसे डालना कहाँ पर है, तो फ्रेंड्स ये जहाँ पर हमने गुड़ाई करी थी साइड में, हमें वहीं पर जो है इसको डाल देना है, जो हमने रेडी करी है खाद को, फर्टिलाइज़र को। इस तरह से चारों साइड हमें जो है डाल देना है फ्रेंड्स। एक तो इसमें कांटे भी बहुत होता है, तो इस तरह से चारों तरफ हमें जो है डाल देना है। और उस फिर फ्रेंड्स हमने जो गुड़ाई करी थी उस मिट्टी को इसके ऊपर इस तरह से वापस से फैला देना है इसके ऊपर। जो हमने गुड़ाई करी थी उस मिट्टी को इसके ऊपर डाल देना है। बस साइड साइड में ही हमको डालना है जहाँ पर हमने गुड़ाई करी है। और फ्रेंड्स विंटर टाइम में जब अगर पानी आ रहा हो तो फ्रेंड्स हमें हमारे प्लांट में जो गुड़ाई कर लेना चाहिए सभी प्लांट में, जिससे कि ऑक्सीजन मिल सके और जो मिट्टी जम जाती है वो भी
अच्छी हो जाएगी और जो फंगस वगैरह नहीं लगेंगे फ्रेंड्स हमारे प्लांट में। और ये मिट्टी को हमें जो इसमें फैला देना है वापस से। उसके बाद फ्रेंड्स हमें एक और काम करना है जो मैं आपको भी बताऊंगी। पहले मैं इसमें जो है फर्टिलाइजर डाल दूं। इस तरह से जहां जहां गुड़ाई करी है हमें वहां पर फर्टिलाइजर डाल देना है। और फ्रेंड्स ये प्लांट मैंने अभी ही रेडी करा है तो इसमें अभी फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स उसके बाद हमें क्या करना है, साइड साइड से हमको हल्का सा जहां पर हमने फर्टिलाइजर डाला है तो हमें पूरे में थोड़ा सा हल्का हल्का पानी डाल देना है। फ्रेंड्स आप भी जल्दी से अपने गार्डन में काम जरूर कर ले ताकि आपके पौधे भी जो है फ्लावर हैवी ब्लूमिंग के लिए रेडी हो जाएंगे।